तो अभी है शाम का टाइम और अभी हम एक थाली सजा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये थाली को लेके हम जाएंगे गंगा माँ को इनवाइट करने कि आप मेरे बेटे के चेट सेरेमनी पे जरूर आना, यानी कि पोइते में जरूर आना और आके उसे आशीर्वाद देना। तो ऐसा एक रिचुअल होता है जिसके लिए हम सभी तैयार हो रहे हैं। हम लोगों का मतलब हम बंगालियों का कोई भी शुभ काम अगर होता है ना, तो उसके लिए 5 लेडीज की जरूरत पड़ती है जो कि शादीशुदा हो। तो ये जो हमारा पॉन्ड है ये इस एरिया का है। इस एरिया में जितने भी इस टाइप के प्रोग्राम होता है जो कि पानी में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है और पानी की जरूरत पड़ती है, वो सारे काम इस जगह पे ही होता है। और अभी हो रहा है कूलो शाजानो सेरेमनी। एक्चुअली कूलो जो ये हम मेरे सामने है ना, रेड और येलो में इसे कहते हैं कूलो, तो इसे भी सजाना पड़ता है क्योंकि शादी के टाइम में यहाँ पे जो सारी चीजें डालना पड़ता है। तो पोइते में शायद थोड़ा कुछ डिफरेंट कुछ होगा और हमारे घर में पोइते तो कभी हुआ नहीं, तो इसलिए प्रॉपर हमें कुछ पता है ऐसा नहीं। पर यहाँ के आसपास में हमारे रिलेटिव्स में, आसपास के रिलेटिव्स में इतने सारे लोग, किसी भी चीज़ की अगर जरूरत पड़ती है तो बस एक बार बुला लो, वो लोग आ जाते हैं। तो मेरे आसपास जो लोग हैं वही है हमारे रिलेटिव्स। और ये जो सामने बैठे है ना मेरे सामने, तो ये है आर्यन का भिक्का माँ। ये एक्चुअली होने वाला है आर्यन का भिक्का माँ। तो सब मिलके ऐसे सजा रहे हैं और मैं भी कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बाद में ज़रूरत पड़े या ना पड़े सीख लेना अच्छी बात होती है। जैसे कि बीए शादी के कूलों में जो जो सारे चीज़ें डालना पड़ता है ना, वो सारे चीज़ें मुझे याद है क्योंकि मैं अपनी शादी में देखा था, मामा की शादी में भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। पर अभी थोड़ा कुछ चीज़ों के चेंजेस होगा। गुड मॉर्निंग। तो आप सबके आशीर्वाद और हमारे सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सबके आशीर्वाद के साथ शुरू हो रहा है आर्यन का पोइते सेरेमनी। तो अभी है ओदिवाश, अभी 4 बजे है सुबह के। और ये है हमारा आर्यन। आर्यन को बिल्कुल अलग एक रूप में मैं देख रही हूँ और इतना शांत, वैसे भी आर्यन शांति है पर आज इतना मैच्योर दिख रहा है और बिहेव भी इतना मैच्योर कर रहा है। जो भी बोल रही हूँ उस तरह से कल से लेके वही सारी चीज़ें कर रहा है। आई होप कि वही तक जो मेन सेरेमनी है वो अच्छे से निकल जाए। और अभी खोई, चीरे, ये सब जो आप देख रहे हो ये अपने अपने भाषा में तो अलग अलग नाम होता है, पर बंगाली में खोई, चीरे, दोई, रसगुल्ला एंड सन्देशी कहते हैं। तो इसके साथ होगा अभी ओधिवाश और इससे पहले जो कि हमने आरती करना बोलते हैं वो आरती किया है। वो आरती करने के बाद हम सभी थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में ये सब डालेंगे, मतलब उसे खिला देंगे। उसके बाद उसे बाद में अगर खाना है तो वो खुद खा लेगा। उसके बाद हम जाएंगे 5 लेडीज मिलके, शादीशुदा लेडीज मिलके पानी भरने। एक्चुअली ना ये सारी चीज़ें शादी के टाइम में लड़की का माँ करती है, तो आज वही बड़ा फीलिंग्स हो रहा है। सच में बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा टेंशन तो है ही, क्योंकि अभी जो पूरा रिचुअल्स होने वाला है ये अच्छे से बीत जाएगा ना, तो इस बात का टेंशन था इस टाइम में मेरे मन में। सुबह से लेके एकदम शाम तक पूरा रिचुअल होगा पंडित जी के साथ। मिथुन और आर्यन को बैठे रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ आर्यन अच्छे से करेगा ना। मिथुन को लेके टेंशन नहीं, पर आर्यन को लेके हाँ थोड़ा बहुत टेंशन तो है, पता नहीं क्या होगा। पर हाँ फिलहाल तो सारे रिचुअल स्टेप बाय स्टेप करने में बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। और कितने सारे चीज़ें जो कि मुझे नहीं पता वो सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो मुझे पता ही है। शादी के जैसा जब है तो कुछ चीज़ें तो मुझे पता ही है कि उसके बाद क्या क्या करना है, तो होता है। तो 2-3 शादियां तो मैंने खुद देखी है। सो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मेरी सिस्टर का एक्चुअली एक इंटरव्यू है, तो इसलिए उसे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज वो भी साड़ी पहनती। और ये रहा मेरा वो साड़ी जो कि आपको मैं दिखाई थी ना, ये आजियो से, हाँ आजियो से है ये साड़ी। तो आज के लिए यही,
और इयररिंग पहनी है, एक नेकलेस पहनी है। एक्चुअली चोकर मुझे बहुत पसंद है तो मैं शादी का जो चोकर है वो पहनूंगी। और हाथ में सारे मतलब एक लड़के की माँ को जैसे कि होना चाहिए बिल्कुल ऐसे मैंने तैयार हो लिए। और हेयर स्टाइल मुझे इतना आता नहीं है तो थोड़ा सा हेयर को शायद टाई करूंगी, हो जाएगा बस। और अभी चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। तो ये है हमारा राही, टूनू कहाँ है, ये है टूनू, हाय। और ये है ब्रेकफास्ट, आर्यन का भी फोटोशूट हो रहा है क्योंकि वीडियोग्राफर भी आ चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्योंकि वो धोती और कुर्ते में तो फिर से बोल्ड दिखेगा कुछ देर बाद। तो वहाँ पे रोड पे यहाँ पे सारे फोटोशूट हुआ है, वो वाला ड्रेस जो कि कल पहनने वाला है वो पहन के वीडियोग्राफर बोल रहे हैं कि जब तक बाल है तब तक इस ड्रेस के साथ है क्या कुछ क्लिप्स ले लेते हैं। वहाँ पे हो रहा है कुकिंग आज के लिए, आज का कुछ बहुत सिंपल बंदोबस्त है क्योंकि आज तो सारा मेहमान नहीं आएंगे, आज वो घर वाले ही और बहुत ही क्लोज कुछ लोग। और पैंडल भी स्टार्ट हो चुका है। और ये थ्रेड सेरेमनी में माँ का वैसे कुछ काम है नहीं, जितना मेरा था मैंने कर लिया है। अभी विधि वगैरह जो सारे है पापा मतलब अपने फादर ही करते हैं बेटे का। तो ये है हमारा गोपू बाबू जो कि एकदम बन ढन के तैयार है। दादा भाई के पोते में दादा भाई से पहले आके मंडप पे बैठ गया। तो मिथुन और आर्यन का दोनों का एक साथ कोई काम कुछ काम चल रहा है और यहाँ पे आर्यन से भी ज्यादा काम मिथुन को करना पड़ रहा है, यही रिचुअल है। एक्चुअली वहाँ पे मेरा इतना कुछ काम नहीं है तो मैं वहाँ पे तो ऐसे बैठी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आज सिंपल सा कुछ लंच का बंदोबस्त किया गया घर वालों के साथ, तो ये है उसका इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे हो रहा है पैंडल कल के लिए। और यहाँ पे लाइटिंग कौन कर रहा है पता है, मेरे छोटे मामा, उनका इसी का बिजनेस है। और उन्होंने और भी कई सारे आर्यन के मतलब जिनका जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो अगर खुद के घर में होता है तो क्या होता है। जैसे कि मेरे बड़े मामा की शादी में भी हुआ था धमाकेदार लाइटिंग, मेरे शादी में हुआ था। और अभी तो आज के ज़माने में आर्यन के लिए जो फंक्शन हो रहा है इसमें छोटे मामा इतने सारे नए लाइट्स लिए हैं कि बाद में बिजनेस में भी यूज़ कर लेंगे पर आज यहाँ पे लगाने के लिए। पैंडल उनका ही किसी एक फ्रेंड का है, पैंडल का जो ओनर है उनको मैं नहीं जानती, पर सारे छोटे मामा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिचुअल के लिए जो सारे चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी हो रहा है पोइता का रिचुअल और कैटरिंग, वो सारे चीज़ें मासी का जिम्मेदारी है। दोनों मतलब दो भाई बहन ने शेयर कर लिया पर हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, बस आके यहाँ पे सबके साथ चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जिन्होंने भी जितना किया है उतना तो बोलना बनता है, इसलिए स्पेशल थैंक्स मेरे घर वालों को। उनके लिए यहाँ पे कुछ दिन दो दिन पहले ही आई थी, उसके बाद भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रहा है। और ये मेरे बड़े मामा सारे चीज़ों में मतलब मेरे छोटे मामा। तो अभी हो रहा है आर्यन का मुंडन, तो मुंडन के लिए माँ के गोद में से शुरू करना चाहिए कि माँ के गोद में वो बैठेगा और देन मुंडन स्टार्ट होगा। पूरा टाइम तो मेरे गोद में बैठा नहीं रह पाएगा तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अभी मैं उठ जाऊंगी, यहाँ पे बैठ के आर्यन का मुंडन होगा और उसका पहली बार मुंडन हो रहा है। और ब्राह्मीण का तीन बार ही मुंडन होता है, दो बार क्यों आप लोगों को पता होगा। और फर्स्ट जो मुंडन होता है वो है उसके थ्रेड सेरेमनी पे, तो वही हो रहा है। और उससे बहुत दर्द भी हो रहा है क्योंकि बोल रहे कि कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं ना, सर पे जैसे कोई मतलब कोई खरोच आ गया है, तो इस तरह से कुछ फीलिंग्स हो रहा है। और इसके कारण आर्यन बहुत मुंह बना रहा है देखिए, तो सब बोल रहे मतलब कैमरामैन यहाँ पे जो है वो लोग बोल रहे हैं कि तो फेस को अगर ऐसे करोगे ना तो फोटो में भी अच्छा नहीं आएगा, तो इस तरह से आर्यन भी कोशिश कर रहा है।
तो अभी है आर्यन का गाय हलूद और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आर्यन को नहलाया जाता है, तो वही पांच लेडीज जो कि शादीशुदा है उनको लेके ये किया जा रहा है। और उसको सबसे पहले मुझे लगाना है हल्दी, और उसके बाद सब आके एक एक करके हल्दी लगाएंगे। और देन ये जो पानी मैं आज सुबह भर के लाई थी ना पॉन्ड से, इस पानी से उसे नहलाया जाएगा। और यहाँ पे जो फोटोग्राफर है और जो कैमरामैन है, इनके लिए एक एक काम हमें दो दो बार करना पड़ा है। एक एक काम के लिए हमें रुक रुक के करना पड़ा है, क्योंकि उनको वो पोज चाहिए फोटो के लिए और वो क्लिप्स के लिए भी वो अच्छा सा एक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए वो सारे चीज़ हमें स्लो स्लो करना पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे लंच शुरू हो चुका है। दाल, एक मिक्स वेज, बेगुन भाजा और ये है पनीर, मिक्स वेज, दाल, राइस। और आज सर्व कर रहे हैं सारे भाई। तो आज हमारे यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड एटलीस्ट आया है, मतलब रिसेप्शन कल था बट आज ये हमारा फ्रेंड कल था ना, कल है, कल है, सॉरी, कल हमारा रिसेप्शन है पर आज हमारा ये फ्रेंड आ रहा है क्योंकि आज है मेन फंक्शन एक्चुअली। तो आज का प्रेजेंट का बहुत मायने रखता है। कल है जिस रिसेप्शन थोड़ा सा दिखा हुआ खाना पीना पूरी बहुत, तो आज का ये फंक्शन ये सेरेमनी देखना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आ गया कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। कल शायद थोड़ा सा बिजी रहने वाला है, प्लान है जैसा कुछ प्लान है, तो इसलिए आज आ गए। बहुत हैप्पी हूँ और ये सारी चीजें आया है भिक्कमा की तरफ से आर्यन के लिए, भिक्षा, शूज, अम्ब्रेला, ये कुर्ता पजामा और ये शायद अंडरवेयर भी है। तो आर्यन अभी आ गया है वही साधु वाला अटायर में जहाँ पे सैफ्रॉन कपड़े पहना जाता है। और ये मतलब ऑल ओवर ना आर्यन को बहुत अलग दिख रहा है, सब आर्यन को बहुत प्यार कर रहा है। बहुत मतलब जो होता है एक बच्चा हमारा, वो छोटा सा आर्यन इतना बड़ा हो गया है कि अभी उसका पोइते हो रहा है, ये जो फीलिंग्स है ना वो बड़ों के अंदर है वो सारी चीजें। तो इस तरह से धीरे धीरे सारे रिचुअल्स हो रहा है। और अभी मिथुन से भी ज्यादा आर्यन का काम है एक्चुअली, अभी वो जो थ्रेड है ना जिसके लिए बोलते हैं थ्रेड सेरेमनी। पहले तो मिथुन बोलते थे कि खुद बनाते थे पंडित जी, आजकल तो कुछ भी नहीं बनाते, आजकल सारे चीजें रेडीमेड होता है, तो रेडीमेड पोइते लेके आ गए। तो वही अभी मंत्र के साथ पहनाया जाएगा, उससे पहले जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो किया जाएगा। देन मम्मी को प्रणाम करना, देन सारे बड़ों को प्रणाम करना, मम्मी से शुरू होता है हर एक चीज। तो वही सारे चीजें हो रहा है।
तो आप सबके प्यार आशीर्वाद और घर के सारे लोगों के प्यार आशीर्वाद के साथ ये पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। क्योंकि मेरे अंदर दो दिन पहले से बहुत डर था कि ये सारी चीजें होगा ना, एक टेंशन तो था ही, खुशी के साथ साथ एक टेंशन भी बहुत काम कर रहा था मेरे दिमाग में। तो सारे चीजें इतनी अच्छे से हुआ सब कुछ, जस्ट दो दिन पहले हम यहाँ पे आए, उसके बाद भी सारे चीजें इतनी अच्छे से अरेंज ऑलरेडी सब लोग करके रखेंगे, मुझे पता नहीं था, और हुआ भी बहुत अच्छे से। तो अभी यहाँ पे पूरा काम खत्म होता है एंड उसके बाद डोंडी भाषाना बोलते हैं, तो वो तो बात की बात है, वो भी रिचुअल है पर वो बात की है, पर फिलहाल के लिए अभी कंप्लीट हुआ और हम सब लोग एक शांति का एक गहरी सांस ले रहे हैं कि चलो सब कुछ हमने कंप्लीट कर पाए हम सब मिलके। तो चलिए इस वीडियो को भी यही पे एंड करते हैं, तो फिर अब से मिलते हैं रिसेप्शन वाला वीडियो में, वहाँ पे भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे लोग आएंगे और आप के साथ वो सारे चीजें शेयर करते हुए बहुत खुशी होगी मुझे। तो चलिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।